हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कहीं जाना हुआ नहीं, लेकिन आज हम आए हैं गोल्डन सर्कस देखने के लिए डीपीटी ग्राउंड गांधीधाम में। तो यहाँ पे बहुत सालों के बाद आज मौका मिला है हम लोगों को देखने का सर्कस। मैं भी बहुत बचपन में देखी थी सर्कस, तो मैं सोची चलो एक बार तो जाना चाहिए बच्चों को लेके। तो ये हम इसके अंदर में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए स्टार्ट हो ही गया है सर्कस। इसका शो था 3:30 बजे, 6:30 बजे और 9:30 बजे। अलग अलग शो था, 2.5 आवर का शो था। अच्छा था, आप जा चाहे तो जा सकते हैं वन टाइम के लिए, आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। पहले जैसे तो जानवर नहीं दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ जोकर्स है, फिर आपका अलग अलग करतब दिखाने के लिए बहुत सारे मौजूद है। आप देख सक रहे हैं ये अफ्रीकन जैसे दिख रहे हैं ये लोग, आई थिंक अफ्रीकन ही होंगे ये लोग। तो ये लोग भी अलग अलग डांस भी कर रहे थे और बहुत तरीके का एक्ट कर रहे थे। तो देखने में देखिए बहुत से एक्ट खेल रहे हैं, बच्चों को तो मज़ा तो आया। 2 घंटे उन लोगों के लिए अच्छा था ये शो देखने के लिए। आज बहुत साल के बाद मैं भी सर्कस में आई हूँ। पहले तो ये सब हाथी लोग करते थे, बॉल से खेलना और ये सब करना, एनिमल्स बहुत सारे रहते थे। अभी तो बैंड हो गया है एनिमल्स का, तो फिर भी अच्छा है, आके देख लीजिए। इधर पीछे जोकर भी अपना किए जा रहा है। ये लोग भी जिम्नास्टिक जैसा दिखा रहे हैं। ये 2 लड़कियां कर रहे हैं। एक लड़की उसको मुंह से पकड़ी हुई है रस्सी को। ये देखिए ये फायर वाला एक शो था, वही अफ्रीकन जो थे ना वो लोग ये कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं सो फायर जला रहे हैं लोग फायर के अंदर से। फिर सर्कस देखना हो गया, फिर हम बाहर निकल गए और बाहर निकल के हम लोगों ने फ़ोटो खींचा और ये
बच्चों के साथ है। इट वॉज़ नाइस, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।